वक्त है दिन की सबसे बड़ी बहस का और पश्चिम बंगाल इस वक्त सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रहा है। वहां रानीगंज और आसनसोल में हालात काफी तनावपूर्ण, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में राजनीतिक मिशन पर निकली हुई। ममता आज यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलेंगी। आज ही उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिलने का कार्यक्रम है। मोदी सरकार से असंतुष्ट बीजेपी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा भी उनसे मिले। कल ममता बनर्जी ने एनसीपी के नेता शरद पवार के अलावा शिवसेना, टीडीपी, समाजवादी पार्टी, बीजेडी और डीएमके समेत कई पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की। और इस सब के बीच बीजेपी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, यह कहते हुए कि बंगाल जब जल रहा है ऐसे में ममता को थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशों के बजाय राज्य के लिए काम करना चाहिए। बंगाल में यह हिंसा रामनवमी के जुलूस के दौरान शुरू हुई थी। रामनवमी पर बीजेपी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने हथियारों के साथ जुलूस निकाला। इसीलिए दंगल में आज का सवाल यह है कि ममता बनर्जी के लिए मिशन दिल्ली क्या बंगाल से ज्यादा जरूरी है? पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा क्या राजनीतिक साजिश का नतीजा है? बंगाल सरकार सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में बार बार नाकाम क्यों रही है? अल्पसंख्यक बनाम हिंदुत्व की राजनीति में क्या राजनीतिक पार्टियां पूरे देश में आग लगा देंगी? और अब 2019 की चुनावी लड़ाई में ही नेताओं की दिलचस्पी बची है और किसी काम में नहीं? आज का दंगल इन्हीं सवालों पर। तो हमारे साथ है सुधांशु त्रिवेदी, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी, वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। मनोजीत मंडल, वो टीएमसी का पक्ष रखेंगे। सुनीत चोपड़ा लेफ्ट का पक्ष रखेंगे और राघव अवस्थी आरएसएस के जानकार हैं, वो आरएसएस का पक्ष रखेंगे। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मनोजीत मंडल, बीजेपी ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ देर पहले, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी का पूरा ध्यान केवल और केवल 2019 में मोदी को रोकने पर है, बंगाल में आग लग रही है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? जरूर घटा है, लेकिन अभी ये पूरा इलाका बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, शांत है। वो मंडे से कंट्रोल है, 144 लगे हुए हैं वहाँ पर। इसका मतलब उन मंडे के बाद ममता दी ने तो दिल्ली गई हुई है, उसका मतलब है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, इसका मतलब है एकदम पूरा बिल्कुल उनको डर आ रहा है कि ममता बनर्जी क्यों दिल्ली में है। लेकिन ये सिर्फ ममता बनर्जी का ड्रीम नहीं है, ड्रीम ऑफ द कंट्री। नाउ दिस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ टू गो। जस्ट वेट फॉर वन ईयर, यू विल सी द रिजल्ट, दिस गवर्नमेंट विल गो। एंड उनका डर जो है बीजेपी का डर दिख रहा है एकदम पूरा बिल्कुल जाएगा। तो संभाल लीजिए पहले। और सिर्फ लोग वहां से फोन करके शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस ट्विटर पे लिख रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं, देखिए कि रात को बम फूटने की आवाजें आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हमने 144 लगा दिए कहां से? बिल्कुल उसी रानीगंज से, उसी आसनसोल से है, कलकत्ता से ये जगह हार्डली 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर में आवाज थोड़ी ना आएगी, सब बम फूटने की बना हुआ तनाव है। उस दिन हुआ था उसका भी जिम्मेदारी, उसका केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 19 लोगों का अरेस्ट किया गया है। आप देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के अरेस्ट हुए हैं। अब देखिए नतीजा, देखिए कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी वहां कोई तनाव नहीं है, बिल्कुल शांत है एरिया, कोई तनाव अभी नहीं है। एग्जामिनेशन भी चल रहा है, क्लास 2 का एग्जामिनेशन चल रहा है, सभी एग्जामिनेशन दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी अभी दिल्ली में है। बीजेपी कह रही है टीएमसी के लोग आग लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं बीजेपी के लोगों पे केस दर्ज किया था ना? अब देखिए आगे आगे होता है क्या। कोई आग अभी नहीं लगे हुए भाई साहब, ये आपका जो दिखा आप बोला है ना, ये बंगाल बर्निंग, ये तो कोशिश बहुत दिनों से हो रहा है ना, पिछले 3-4 सालों से एक कोशिश चल रहा है बीजेपी की तरफ कहीं से बंगाल को बांध दिखा जाए, लेकिन अभी नहीं हो गए भाई साहब। ये आप देखिए नतीजे भी देखेंगे इलेक्शन में, जो अपने कम्युनल बॉर्डर्स का बात किया मेरी बात। ये बिल्कुल आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाषणबाजी एक तरफ है, देयर वाज नो कम्युनल, भाषणबाजी एक तरफ है सर, ये एकदम जरा सर, ये झूठ है। ये हाथों में बम लेके कैच कैच खेल रहे थे क्या? जो पुलिस अफसर का हाथ उड़ गया, एक बात ही नहीं है, मजाक कर रहे हैं बैठ के टीवी पर उस जगह। अरे आपको पता नहीं है, आपको आपको दिख रहे टीवी पर, आपको उस जगह दिखाई दे रहा है आपको टीवी पर, पुलिस आपकी है, आग बुझा रही है, फायर ब्रिगेड आपकी है, आग बुझा रही है। डेमोग्राफी के में कोई आइडिया नहीं है। क्यों आपने 144 लगाया अगर आग नहीं लगी थी तो? क्यों आपने 19 लोगों पे केस दर्ज किया आग नहीं लगी थी तो? कम्युनल टेंशन नहीं है। हाँ तो ये लोग मजाक में लड़ गए आपस में। कम्युनल टेंशन रानीगंज में नहीं है, ये लोग शौक में लड़ गए ना आपस में। कम्युनल टेंशन नहीं है,
घरों में आग लगाना, देसी बम बना के दूसरों के घरों पे फेंक देना, ये पश्चिम बंगाल में खेल हो गया क्या? अगर कम्युनल टेंशन नहीं था तो मजाक कर रहे हैं आप बैठ के? इसके साथ आप कम्युनल टेंशन कहां मिल गए आपको? आपको कम्युनलिज्म कहां मिल गए? आप बताइए ना, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, कम्युनलिज्म कहां से आ गए? अच्छा, एक आदमी अगर आंख पे पट्टी बांध के कान में उंगली डाल के बैठ जाए, सुधांशु त्रिवेदी, तो उसे कैसे आप ये एहसास दिलाएंगे कि जो कुछ हो रहा है, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमने 19 लोगों पे केस दर्ज कर दिया, जिसमें एक पुलिस अफसर का पूरा हाथ कट जाता है, आईपीएस एसोसिएशन ट्वीट कर रहा है, फोटो डाल रहा है, और ये कह रहे कुछ हुआ ही नहीं वहां पर? देखिए रोहित जी, एक कहावत होती है कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, पर जगे हुए को नहीं जगाया जा सकता। अब रुकिए, जो आंख खोल के देखना ही ना चाहे उसको आप कुछ नहीं कह सकते। जो मनोजीत मंडल जी ने कहा कि कम्युनल टेंशन नहीं, उन्हें क्यों कम्युनल टेंशन नजर आएगी? जिस सरकार के मंत्री, उनका नाम पूरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, फरहत करके नाम है, जिन्होंने टीवी के ऊपर एलानिया बोला कि जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं, उन्होंने ये शब्द बोला कि भाई ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये मिनी पाकिस्तान है, और उसके बाद इनकी सरकार वहां शांत बनी रहती है, क्यों इनको कम्युनल टेंशन नजर आएगा? मालदा में नकली नोटों की सप्लाई से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों की सप्लाई तक सब कुछ होता रहता है, उसके बाद इन्हें कुछ नजर नहीं आता है। इन्हें क्या नजर आ रहा? अभी इन्होंने कहा ना कि भाजपा डर रही है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा, डर कौन रहा है? दिल्ली आकर ममता दीदी तमाम लोगों के साथ गठजोड़ करने में लगी है, क्यों? क्योंकि आज बंगाल में स्थिति यह है कि न हम सत्ताधारी दल हैं, न मुख्य विपक्षी दल हैं, फिर भी डर है तो हमसे, क्योंकि कई उपचुनाव ऐसे हुए जहां भाजपा का नहीं, लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना कि आपके लोग मुख्यमंत्री के ये कहने के बावजूद के हथियारों के साथ रैली ना निकालें, और उनकी रैली निकाल रहे थे सांप्रदायिक नीतियों के चलते हुए, इसका जवाब देंगे ना सुधांशु जी? वैचारिक परिवर्तन आ रहा है, उस कारण से भय इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है। सुधांशु जी, इसका जवाब तो देंगे ना कि आपके लोगों ने रैली निकाली रामनवमी के दिन ऐसी, जिसकी मनाही थी जी? ये आरोप तो आप ही के लोगों पर है ना, मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्ती वो रैली निकालना चाहते थे, जैसा आरोप कासगंज में लगा था। आपने अच्छा प्रश्न किया रोहित जी, आपने अच्छा प्रश्न किया रोहित जी। हम तो हर साल रामनवमी मनाते हैं, क्या पिछले वर्ष रामनवमी नहीं मनाई गई थी क्या? उस समय मनाई गई थी, और पारंपरिक हिंदू प्रतीक और शस्त्र दोनों के साथ मनाई गई थी। अरे सवाल तो इनसे पूछिए ना, इन्होंने इस बार क्यों मनाई? इससे पहले कभी मनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने? इसी बार मनाना शुरू किया? तो कौन राजनीति में धर्म का प्रयोग कर रहा है और कौन मौके के हिसाब से बदलता दिखाई पड़ रहा है, ये तो उनके चरित्र में दिख रहा। हम तो पहले भी मनाते थे, अगर, आज भी मनाते हैं, अगर और इन्होंने आज मनाई आरोप के रूप में कहते हैं, अगर इन्होंने भी आपके पैरेलल रैली निकाली कि हम राम राम से जुड़े हर मुद्दे को पूरी तरह सांस्कृतिक अस्मिता का मुद्दा मानते हैं, आपको खुश होना चाहिए कि ये भी रैली निकाल रहे हैं आपकी तरह। बम चलवा दिया आप लोगों ने उनके ऊपर, आरोप लगा रहे हैं टीएमसी के लोग कि बीजेपी ने आग लगाई पहले। राम क्या सर, राम का, राम के ऊपर कॉपीराइट आपके पास? यह भी आपने अच्छा प्रश्न किया, यह भी आपने अच्छा प्रश्न किया है रोहित जी। ये बम का कल्चर, ये हिंसा का कल्चर बंगाल में ही क्यों होता है, या फिर केरल में होता है जहां पर कि कम्युनिस्टों की सरकार है? ये तो एक लंबे समय तक वामपंथी शासन और उसके चलते हुए बंगाल के कल्चर में, लोकतंत्र में हिंसा को एक स्थायी प्रायोजित स्थान दिया गया, अन्यथा लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय समय पर वहां की सरकारों ने ऐसे आपराधिक तत्वों को प्रश्रय दिया, प्रायोजित किया, राजनीति में स्थापित किया। इसलिए आज ये स्थिति, टीएमसी भी खराब है, लेफ्ट भी खराब है, केवल आपके लोग वहां पर ठीक है। आपने लेफ्ट को नाम ले दिया तो मैं एक बार सुनील चोपड़ा और प्रियंका चतुर्वेदी दोनों को चर्चा में लेके आता हूं। चोपड़ा जी, आप ही से पूछ रहा हूं, बंगाल में सब कुछ ठीक ठाक है आपके हिसाब से? मनोजीत मंडल कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। जी मैं जानता हूं कि ये वो बंगाल है जहां मैं छात्र भी था, कॉलेज में भी था, ये वो बंगाल है जहां पर कि इस तरह के गुंडागर्दी होने नहीं दी जब तक वामपंथ था। ज्योति बसु अपने आप सड़कों पे निकल आते थे कोई भी दंगा रोकने के लिए।
अब सवाल यह है कि ममता और बीजेपी आपस का झगड़ा कर रहे हैं। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, ममता क्यों ना रामनवमी का जुलूस निकाले। बीजेपी ने हिंदुओं का ठेका नहीं ले रखा, ये हिंदुत्ववादी है, हिंदू नहीं है। चोपड़ा जी, आपने कम से कम अपने आप को हिंदू कहा, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। इनका हिंदू हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए, कम से कम आपने हिंदू धर्म का नाम तो लिया, बहुत खुशी है हमें आज। यही सबसे बड़ी विजय है नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। मेरा अपना जो वंश है वो बड़ गुजरों का है। नहीं, हम बहुत खुश हैं सुनील जी, हम आज सब अत्यंत प्रसन्न हैं। आज तो लड़ाई इसी चीज की है कि कौन बड़ा हिंदू हो गया है, कांग्रेस बड़ी हिंदू है कि बीजेपी बड़ी हिंदू, अब लेफ्ट भी कूद पड़ी उसमें। एक कमेंट में प्रियंका चतुर्वेदी से ले लूं राघव, उसके बाद आपके पास आऊं। एक सेकंड चोपड़ा जी, हिंदुस्तान में हिंदू भी है, हिंदुस्तान में मुसलमान भी है, ठीक है, हिंदुस्तान में सिख ईसाई लिंगायत बहुत लिंगायत भी आया बाप, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक सेकंड प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल यह है कि ठीक है हिंदुत्व का ठेका बीजेपी के पास नहीं है, ये सच बात है, कोई एक पार्टी किसी एक धर्म की ठेकेदार नहीं हो सकती है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि दूसरी पार्टी अगर रैली निकाले तो बम चल जाए आपस में और फिर टीवी पर बैठकर यह कहा जाए कि कोई कम्युनल टेंशन नहीं है, झूठा दिखाया जा रहा है सब कुछ? क्या वाकई टेंशन नहीं है बंगाल में? सबसे पहले तो कह दूं रोहित जी, हिंदुत्व का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी का है, हिंदू धर्म का ठेका भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये अंतर आपको बता दूं। रही बात, हम भी बचपन से रामनवमी बनाते आए हैं, हमने कभी नहीं देखा अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल किया जा रहा हो और ऐसी जलूस निकाले जा रहे हो। भगवान का सम्मान करते हुए जलूस निकलते हैं पर अस्त्र शस्त्र के साथ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हम देख रहे हैं, और सिर्फ बंगाल में ही नहीं देख रहे हैं, हम बिहार में भी देख रहे हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाकर ये अस्त्र शस्त्र निकाले जा रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रही, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। थैंक यू सो मच। तो मैं बस यही कहूंगी कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, हिंसक घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं, वो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और उनको लगता है कम्युनल टेंशन, और कम्युनल टेंशन तो इनका पेटेंटेड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक हम वही देख रहे हैं। तो इस तरीके का माहौल बनाना पूरे देश में 2014 से इनकी स्ट्रेटजी बन ही गई है सोशल इंजीनियरिंग की। हमने देखा है किस तरीके से कर्नाटका में भी करने की कोशिश की, देखा केरल में करने की कोशिश की, हम देख रहे हैं बंगाल में हो रहा है, बिहार में इनके खुद के अलायंस पार्टनर्स दुहाई दे रहे हैं ऐसे पार्टनर्स की जो इस तरीके का माहौल बनाए दे रहे हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी सबकी, सब जानते हैं। आपने दो बातें कही, एक तो आपने कहा जहां जहां इनकी सरकार नहीं होती है वहां वहां दंगे होते हैं, लेकर हिंसा फैलाना। आपने कहा, देखिए मुझे एक चीज याद आती है, जब राम के नाम पे दंगे हुए थे, एक सेकंड मैं बस कंप्लीट कर लूं, जब 2002 के दंगे हुए थे, मुझे ध्यान है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राम राज्य के नाम पे उनसे कहा था कि इस्तीफा दीजिए। आज मुझे बताइए कौन से राम राज्य में इस तरीके की हिंसक घटनाएं होती हैं और चाकू तलवार लेकर लोग जलूस निकालते हैं और जश्न बनाते हैं। आज आप मुझे बता दीजिए, आप भी हिंदू, हम सब हिंदू यहां पर बैठे हैं इस पैनल में, आपने ऐसा माहौल देखा है? आपने खुद कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां दंगे हो जाते हैं, फिर आपने बिहार का जिक्र किया जहां बीजेपी खुद गठबंधन की पार्टनर है, सरकार की हिस्सेदार है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा 1992 बाबरी से लेके आज तक ये दंगे कराते रहे, इसका मतलब 1992 से आज तक ये कामयाब होते रहे, तब आप सरकार में, आज ममता बनर्जी सरकार में, सब फेल है, सबने अपनी सरकारों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने में नाकामी को छुपाया किसी ना किसी तरह। बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहीं ये नहीं कहा, पर जब इस तरीके का माहौल बनता है वो तो सबकी जिम्मेदारी बनती है कि न्याय और कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर 2002 में मोदी फेल थे तो आज ममता बनर्जी फेल है। हम एक माहौल पनपता देख रहे हैं वो उस पे सवाल जरूर उठ खड़े होते हैं कि क्या ये माहौल पूरे देश में पेटेंट करने का इरादा है भारतीय जनता पार्टी का? मानते हैं ममता बनर्जी की सरकार फेल रही है, हालात पे काबू करने में इतनी है कि आप हिंसक घटनाएं होने देते हैं और उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये तो उनका पेटेंट है। आप मानते हैं ममता सरकार फेल हुई है? जब जब वहां पे अखिलेश यादव जी की सरकार थी,
मैं कहूंगी फेल नहीं हुई हैं, पर हाँ जिम्मेदारी हर राज्य सरकारों की होती है कि व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को संभाल कर रखने की, और अगर कहीं भी चूक हुई है कम से कम तो जल्द से जल्द उस चूक को ठीक करने कम से कम आपने पॉइंट आउट किया। प्रियंका जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने आज कांग्रेस पार्टी का जो बिल्कुल हिंदू विरोधी चेहरा है उसको बेनकाब कर दिया, क्योंकि आपको रामनवमी के जुलूस में अगर कोई अस्त्र शस्त्र लेकर चला है वो आपको दिखता है, लेकिन जिस बम मार के एक पुलिस वाले का हाथ उड़ गया उसका आपको धर्म नहीं देखा। तो आपके लिए बिल्कुल सही है कि आतंकवाद का एक ही धर्म है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो है हिंदू धर्म। आज आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को रामनवमी पे अपने पारंपरिक तरीके से जो है जुलूस निकालने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर ऐसा जुलूस निकाला जाता तो पहली बात आप ये बताती हैं वो भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड, परंपरा की भी ठेकेदारी केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है। बात खत्म करने दीजिए, मैंने भी आपको इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। नो, परंपरा की ठेकेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं है, मुझे खत्म करने दीजिए। आपने बाबरी मस्जिद की बात करी प्रियंका जी, आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वहां अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप हिंदू अपने आप को कहती हैं, आप हमें बताइए कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए आपको लगता है? आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए, सवाल राम मंदिर का नहीं है, आप स्टैंड बताइए, आप बताइए, आपको केवल हिंदुओं का अस्तित्व करने को कहते हैं, ये कहना है केवल हिंदू। मेरा सवाल मुद्दों पे बहस, मेरा सवाल ये है, प्रियंका चतुर्वेदी प्लीज कर सकते हैं तो मैं आपका जवाब दूंगी। नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी एक सेकंड, राघव अवस्थी उनको केवल ये बताइए राम नवमी पर अस्त्र शस्त्र लेकर चलने की परंपरा कहां है कहां नहीं है, उन्होंने नहीं देखी अपने जीवन में, वो यही सवाल उठा रही हैं। आप राम मंदिर पर ले जा रहे हैं, परंपरा राम हमारे शस्त्राग्रही राम हैं जिनकी हम घर में पूजा उपासना करते हैं, तो यदि उनकी पूजा उपासना के लिए कोई अस्त्र शस्त्र लेकर जो है अगर जुलूस निकालना चाहे तो आपको क्या समस्या है, आप मुझे ये बताइए ना। मुहर्रम के भी तो ताजिए निकलते हैं, एक सेकंड, मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं, होला मोहल्ला फेस्टिवल होता है पंजाब में, वो भी अस्त्र शस्त्र लेकर जुलूस निकाला जाता है। आपको केवल जो हिंदुओं के त्योहार है उसी से आप लोगों को हृदय में इतनी पीड़ा क्यों होती, मैं ये जानना चाहता हूँ। खुद अपने आप को हिंदू कहती है और फिर भी इतना हिंदू विरोध आप हृदय में पीड़ा। तो बंगाल आग में और ममता बनर्जी दिल्ली में, क्या सब कुछ अब 2019 की तैयारी के लिए ही होगा? दंगे भी और दंगों की तरफ से आंखें बंद करना भी, क्यों मनोजीत मंडल? सब कुछ 2019 के लिए हो रहा है ना आपके मुताबिक? लेकिन देखिए, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट द काइंड ऑफ वर्ड दैट यू यूजिंग, दैट क्या बंगाल इज बर्निंग, ये बिल्कुल 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 गलत, क्या हिंदू समाज की सुरक्षा की गारंटी दे सकती है आपकी पार्टी? बोला था ना जब ममता बनर्जी इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर, आप बताइए ममता बनर्जी क्या हिंदू समाज की सिक्योरिटी की गारंटी दे सकती है? ये तो बात ही नहीं करने देता है यार। राघव जी आप इनको सुन ले पूरा, ये बोल रहे हैं, व्हाई आर यू सेइंग बंगाल इज बर्निंग? Why do you find that Bengal is burning? अच्छा, बिहार is burning, okay. There was a law Bengal is burning में थोड़ी दिक्कत है। Sunday, अपनी सरकार में आग लगे तो आग नहीं है। Under control since Monday. दूसरी जगह आग लगे तो मजा आता देख के। Communal tension. सर हिंदी में बोल लीजिए। कहाँ पर आग लगी, कोई लगी है? बताइए ना। कहाँ पर आग लगी है? आग तो दिल्ली में लगी है ना? आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, आप बोलते हैं इतना। अभी जब आपने बोला ना जो कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, डिटेक्ट कहां देखा आपने? ये नहीं हो रहे आपके नाक के नीचे? कहां देखा है, कहां देखा? यहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर जिस चैनल पे बैठे वहीं देखा ना, जिस चैनल पे बैठे वहीं देखा ना। दिल्ली में आग लगती है आपको मजा आता है, बिहार में आग लगती है आपको मजा आता है, और कहीं भी आग लगती है आपको मजा आता है, बंगाल में आग लगती है तो आप बकरे होते हैं? कम्युनिटी का दो ग्रुप में तैयारी कर रहे होता है उसको कहते हैं कम्युनल टन के, ये नहीं कहते, क्या कहते इसको आपने? कम्युनिटल सेंसियन का क्या कहते हैं आप लोग? एक ही कम्युनिटी का दो ग्रुप में अगर खेल है होता है उसको यू डोंट कॉल कम्युनल टेंशन। अच्छा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। अरे आप क्या तय कर लिया? एक ही कम्युनिटी में कर लिया ना, दो ग्रुप के अंदर क्लैशेस होता है उसको आप कम्युनल टेंशन नहीं कहते। आप ये कह रहे हैं रामनवमी एक ही कम्युनिटी का लोग रामनवमी को मनाता है, आपकी पार्टी के नेता ये क्यों कहते घूम रहे हैं ये जबरदस्ती जुलूस लेकर मुस्लिम इलाकों में जा रहे थे, इसलिए तनाव हुआ? इंडिया में पॉलिटिकल इडियम, इसको चेंज कीजिए। ये आपकी पार्टी के लोगों के बयान है, ये नैरेटिव, रामनवमी का जुलूस मुस्लिम इलाकों में घुस रहा था इसलिए तनाव हुआ, नहीं चलने वाला है। आप इसको आपकी पार्टी के नेताओं के बयान है, टीएमसी के
वहां पर मुस्लिम इलाका नहीं है, आपको कुछ पता भी अच्छा, नहीं अब है। आपने बदल लिया। अरे रानीगंज के हिसाब से आप बदल लीजिए। ज्योग्राफी का बान हुआ है आपका, कुछ मालूम नहीं है सर। सब कुछ तो आप ही को पता है, सर्वज्ञानी तो आप हैं, तो फिर आग बुझा लेते हैं वहां बैठ के। रानीगंज आपको पता है, रानीगंज तो आग बुझा लेते हैं बैठ के। आप क्यों धारा 144 बनाई है, कहां है, क्यों एक पुलिस अफसर का हाथ उड़ गया है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है आपको पता है सर? आपको पता है ना, आप रोक लेते ना सर, आप रोक लेते हैं, आपको पता है सब कुछ। तो ये लॉ इसमें इसके साथ कम्युनलिज्म का क्या ताल्लुकात है? हाँ, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है साथ कम्युनलिज्म का क्या ताल्लुकात है? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कि घरों में बम बनते हैं। प्रॉब्लम अगर है तो इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर तो फेंक दिए जाते हैं, पुलिस वालों के हाथ उठा दिए जाते हैं। अगेन दैट इज कम्युनल, ये खेल है ना। बिकॉज यू वांट टू मेक इट कम्युनल। सुनिए मेरी बात ध्यान से, बीजेपी मनोजित मंडल, अब सुनिए ध्यान से मेरी बात। व्हिच आर ट्राइंग टू मेक इट कम्युनल। सुनिए सवाल अब मेरा, आपने कहा कम्युनल टेंशन नहीं है, सुनिए मेरी बात। ठीक है, कम्युनल टेंशन नहीं मान लिया 30 सेकंड के लिए मैंने। लॉ एंड ऑर्डर फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है कि नहीं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल तो नहीं है। ये राष्ट्रीय स्पोर्ट है बंगाल का, बिल्कुल नहीं है। बम बनाना, दूसरों को मार देना, एक घटना में लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं हो जाता खेल है फिर तो। एक घटना बोलिए, आप लोग घर से कहिए कि हम बम से मार देते हैं दूसरों को, ज्यादा मजा आता है। इस घटना में लॉ एंड ऑर्डर फेल नहीं होता है, बोलिए इसको। एक घटना में, एक जगह में अगर एक टेंशन होता है, कम्युनल टेंशन भी नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है? ये बंगाल का राष्ट्रीय खेल है, फुटबॉल की जगह इसी को बना लीजिए खेल। बिल्कुल नहीं है, बम बना के फेंकना दूसरे पर। दो कम्युनिटी में कोई क्लासेस नहीं हो रहे थे सर। रोहित जी प्लीज, एक ही कम्युनिटी के दो ग्रुप में क्लासेस हुआ, थोड़ी शर्म कीजिए प्लीज। सुधांशु त्रिवेदी और राघव के पास जा रहा हूँ। मनोजीत मंडल जी से मैं कहना चाहूंगा, पहले आप ये ईवीएम को चेंज कीजिए। हाँ, ईवीएम आ गया। पिछले साल जो बसीरहाट में हुआ था वो भी कम्युनल नहीं था। कपड़े उतारे हैं उसके भी डिफेंस कर लीजिए। जो मालदा में हुआ था वो भी कम्युनल नहीं था। सुधांशु पूरी कीजिए अपनी बात। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो, आंखों देखी चीज को भी यदि कोई व्यक्ति नकारना चाहे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? बंगाल में पिछले कई वर्षों में कई बार सांप्रदायिक हिंसा हुई, और वो क्यों हुई? क्योंकि बहुत साफ बात मैं कहना चाहूंगा, आज आप लोग इस विषय के ऊपर उठा रहे थे कि आप मुहर्रम के जुलूस के लिए दुर्गा पूजा के जुलूस को रुकवा देते हैं, और उसके बाद उसे आप कहते हैं कि साहब ये सेक्युलरिज्म का प्रतीक था, और फिर उसके बाद दूसरे समुदाय के ऊपर बल प्रयोग भी होता है, यानी जिनका जुलूस रुकाया गया उनके ऊपर बल प्रयोग भी होता है, उसके बाद आप कहते नहीं साहब किसी प्रकार का कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज आपको इस बात पे ऊपर आपत्ति नजर आ रही है कि उसमें शस्त्र क्यों थे, क्या मुहर्रम के जुलूस में जंजीरें और छुरियों से मातम नहीं होता है? हम कभी उसको मुद्दा नहीं बनाते, धार्मिक आस्था का विषय, ठीक है वो जिस प्रकार से करना चाहे करें। और जो लोग अभी रोहित जी आपसे बात कर रहे थे ना कि साहब हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है, तो मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं, बताइए हिंदू धर्म में सबसे बड़ा बाण कौन सा माना जाता है? राम बाण। गीता में भगवान कृष्ण ने विराट को दिखाया क्या कहा? शस्त्रधारियों में मैं राम। भगवान राम की एक फोटो बताइए जो बगैर धनुष बाण के होती है। और इतना ही नहीं, मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, शस्त्र पूजा का पर्व इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिशियली शस्त्र पूजा की जाती है राम के विजय का पर्व। इसलिए आप हिंदू धर्म की व्याख्या भी अपने हिसाब से करेंगे, जो आपको राजनीतिक दृष्टि से सूट करेंगे। हिंदुत्व की व्याख्या किसी और दिन कर लेंगे। आज केवल प्रियंका चतुर्वेदी को ये बता दीजिए आप कि राम नवमी के जुलूस में अस्त्र कब से और कहां कहां निकलने लगे, क्योंकि उनका कहना है कि हमने कभी नहीं सुना। जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि आपके लोग लेके निकले वहां पर। बीजेपी चोपड़ा जी थोड़ा सा सारे दंगे बीजेपी की आपकी सरकार रहते हैं, सीपीएम मरी लोग मरे हैं और आपको पता नहीं है क्या? और सीपीआईएम का रिकॉर्ड हमसे सुना। बारी बारी बोलने अच्छा नहीं लगता, सब लोग सुनेंगे समझ भी नहीं पाएंगे सब एक साथ। सीपीआईएम के दौरान एक दंगा नहीं हुआ। हां सर, वो लोगों ने शॉक शॉक में मार दिए 50,000 लोग बंगाल में इतने साल में ना, एक दूसरे को राजनीतिक हिंसा में, केरल में इतने लोग मार दिए, वो खेल खेल में मार दिए। प्लीज थोड़ा रुकिए, आपके पास भी मारे गए। सुधांशु प्रियंका चतुर्वेदी को बताइए राम नवमी में अस्त्र का क्या काम है? चुप, मास मर्डर होता है। राम नवमी में इसका क्या काम है बताइए प्रियंका चतुर्वेदी को। और आप दोनों राम के जुलूस ले जाते हुए एक सेकंड सर, प्लीज सर, प्लीज सर, जुलूस आप लोग निकाल रहे हैं, वो लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। प्लीज सुधांशु बताइए प्रियंका चतुर्वेदी को, जवाब दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको इस विषय का जवाब दिया कि जो लोग धार्मिक आधार के ऊपर यह प्रश्न उठाते हैं, तो मैं उनसे यह कहना चाहूंगा, पहली बात, किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरी बात,
यदि आप शस्त्र की बात करते हैं तो हमारे यहां तो मैंने अभी बोला आपको, उसको रिपीट कर रहा हूं, भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा, शस्त्रधारियों में मैं राम, सब भगवान नाम की एक फोटो बताइए बगैर धनुष बाण के, वो ठीक है, मैं पूरा चुनौती के साथ कहता हूं। मगर अफसोस कि आपने जो हिंदुत्व हिंदू धर्म कहा ना, आप ही उसकी व्याख्या बदलना चाहते हैं। ठीक है प्रियंका बोलिए। अगर कोई धार्मिक आस्था है, मैंने कहा मुहर्रम में यदि सुधांशु जी, मैं तो बस आपसे मैं बताती हूं, को लेकर मातम होता है, हिंदू और हिंदुत्व सारी की सारी आपत्ति आपके पेज पर दिखाना चाहते हैं। अरे आप सुनिए तो सही, मैं आपको हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बताती हूँ। कोई राम में राम के शस्त्र देखते हैं, कोई राम में राम का शासन देखते हैं, कोई राम में राम किस तरीके से मर्यादा बनाए रखते थे और झूठ नहीं बोलते थे वो देखते हैं। जो हिंदू धर्म होता है वो उनके राम का जो शासन होता था उसका उसको देखते हैं, उससे सीखते हैं राम किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, हम वो देखते हैं। बंगाल में राम राज्य है, जो हिंदू धर्म है जो राम में सिर्फ बंगाल में राम राज्य है, राम में सिर्फ शस्त्र देखता है, राम में सिर्फ हिंसा देखता है, वो अंतर है हिंदू और हिंदुत्व में। राम राज्य है, गर्व है, मैं मुझे गर्व है कि हम हिंदू धर्म वाले हैं। बंगाल में राम राज्य है, हिंदुत्व विचारधारा वाले नहीं है। आप लोग भी कहने लगे गर्व से हम हिंदू हैं अपने आप को, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये तो बता दीजिए बंगाल में राम राज्य है, कांग्रेस पार्टी मानती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुंह में राम भाई साहब और बगल में छुरी होती है, बंगाल में राम राज्य है, बंगाल में राम राज्य है। आपकी बात से सवाल पूछ रहा हूं पंडित जी, कौन चीज कही गई है हिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, वो देश में मैं पनपने भी नहीं दूंगी। हिंदुत्व सोच के खिलाफ हमारी जंग जारी है, हिंदुत्व सोच के खिलाफ हमारी जंग जारी है, देश में बनी रहेगी। प्रियंका जी सारा बचाव कर रही है ममता बनर्जी का, क्योंकि बीजेपी पर हमला करना है, लेकिन बंगाल में राम राज्य है ये तो बता दीजिए। मैं तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं, किसी पे भी हिंसा घटना हो, पहले वो इंसान है फिर उसके धर्म की चर्चा होती है। 2014 से हुआ है कि पहले उसकी धर्म की चर्चा होती है, फिर राज्य की परिभाषा में जैसे आपको हिंदू वोट है कि 2019 में आपकी पार्टी को, ये बताइए राहुल गांधी कितने भी रुद्राक्ष पहन ले, कितना शिव भक्त बन जाए, यदि आप ऐसे कहेंगे हिंदू वोट नहीं मिलेगा। कौन से राज्य में राम राज्य है? चलिए ठीक है, आप बंगाल में राम राज्य है इसको नहीं बोलेंगे, फिर बाकी राज्यों में चले जाएंगे कि वहां है कि नहीं है। ठीक है, जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि उनके हथियार नहीं रोकते तो हमारे क्यों रोकते हो, आप कह रही है बाकी राज्यों में राम राज्य नहीं पूछते तो बंगाल में क्यों पूछ रहे हो। आखिरी कमेंट रागावस्थी, समय समाप्त, 30 सेकंड। मैं बस इतना कहना चाहूंगा आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही कि, और बिल्कुल सही बात है कि आपकी कांग्रेस पार्टी के अनुसार तो जब अज्ञात लोग हमला करते हैं तो हिंदू लोग जो है फिर अस्त्र शस्त्र लेके जो है निकल जाते हैं। हिंदुओं के प्रति आपके मन में कितनी जो घृणा है, और आपको तो लगता है हिंदुओं को इस देश में जीने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं पे हिंसा होती रहे, हिंदुओं पे हिंसा होती रहे और वो सत्याग्रह करते रहे, आपकी राजनीति आज समझ गया देश, और उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं देते हैं। कांग्रेस की राजनीति जो है आपने बेनकाब कर दी है, मुझे पता है हिंदुओं के प्रति आपकी घृणा है, और हिंदू लोग जो है उनकी जान जो है आप लोगों के लिए बहुत। आप लोग शोर शराबा करने से बाज नहीं आएंगे ये जानते हुए भी कि टीवी पर दर्शक सुनना चाहता है आप लोगों को, वो आपके बारे में अपनी राय तभी बना सकता है जब आपको सुनेगा, आपको हल्ला करते हुए देख के, हंगामा करते हुए देख के नहीं। इसलिए कम से कम साफ साफ अपनी बात कहें, दूसरे को काटे बिना। तो दर्शक बीच ये तस्वीर आप देख सकते थे ममता बनर्जी की, जो दिल्ली में मिल रही है अलग अलग नेताओं से, और बंगाल में लोग तनाव में हैं क्योंकि रामनवमी के बाद से शुरू हुई हिंसा अभी तक लोगों के जहन से गई नहीं है।